इसको हम बिल्कुल दिमाग से उतार चुके थे। तो ये जो कुटिया पॉन्ड ट्राइब है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं एक बार, आपको याद आ रहा होगा, है ना? कहाँ से है पता है? ये जनजाति कहाँ से है? लोगों को उड़ीसा लग रहा है। आप लोग बता दीजिए भाई, आपको क्या लग रहा है? टू सी, 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 लोग लिख रहे हैं, अपनी अपनी भावनाएं सब व्यक्त करते हैं। इसका वास्तविक आंसर है, जो मैम ने बोला है, उड़ीसा। इसका आंसर है उड़ीसा में है। क्या? कुटिया कोंड ट्राइब। ये क्या है? कुटिया कोंड ट्राइब है। और ये कहां पर पाई जाती है बच्चों? उड़ीसा में। कुटिया कोंड इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप इन उड़ीसा हैव बीन इनवाइटेड एज अ स्पेशल गेस्ट ऑन द रिपब्लिक डे परेड। ईच ईयर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इनवाइट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच ग्रुप्स इन रिपब्लिक डे। कुटिया कोंड ट्राइब सिचुएटेड इन उड़ीसा, है ना, खंडमाल डिस्ट्रिक्ट, सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द खांडा ट्राइब नोन फॉर देयर यूनिक बफेलो सेक्रीफाइस रिचुअल केडू। ये ध्यान रखना, केडू के लिए फेमस है, ठीक है, बफेलो को मारते। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड विच एयरपोर्ट एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इनमें से कौन से एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को घोषित किया गया है? हाँ, गोरखपुर अंतरराष्ट्रीय है। अच्छा, मैं बताने का, सूरत, शिमला, जोरहट या गोरखपुर, बताओ बच्चों कौन सा एयरपोर्ट होगा? किस एयरपोर्ट में ऐसे काम किए गए होंगे? बताओ, आप लोग बताओगे, हमसे क्या पूछते रहते हो? हमको पता होता तो हम क्विज की जगह पेपर दे रहे होते। हाँ, मैम ने लिखा है सूरत एयरपोर्ट। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सूरत एयरपोर्ट। सर, सूरत, ठीक। देखो, गोरखपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने की क्षमता रखता नहीं, बहुत छोटा है। जोरहट, जोरहट है का हमको पता नहीं, तो दो तो हम ही काट देते हैं। शिमला, शिमला पहले से अंतरराष्ट्रीय है ही नहीं एयरपोर्ट, शिमला में अंतरराष्ट्रीय कहां से होगा? शिमला। इसका आंसर जो मैम ने बोला है वो है सूरत हवाई अड्डा इज द राइट आंसर। इसका है सूरत हवाई अड्डा। बच्चों, सूरत हवाई अड्डा गुजरात में इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेटस दे दिया गया है, क्योंकि वैश्विक यात्रा वहां जरूरी है, वहां पे कपड़ा हीरा बहुत बनता है, आर्थिक संभावनाएं बहुत है, वहां पे अंतरराष्ट्रीय ट्रेड बढ़ाने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, वहां पर अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट सूरत को बनाने जा रहे हैं। मुंबई जाना पड़ता था इनको, इसलिए अब सूरत को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की घोषणा कर दी गई। विच सिटी रिसेंटली रिसीव्ड फर्स्ट सेट ऑफ ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कोचेस विच इज द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल CBTC सिस्टम के तहत किस मेट्रो प्रणाली को पहली बार ड्राइवरलेस ट्रेन दी गई? कौन सा ऐसा शहर है जहां पर पहली बार ऐसा काम किया जाएगा? देखो, सबसे बड़ा मेट्रो का सिस्टम तो दिल्ली में, तो ऐसे कांड बाकी जगह में किए जाएंगे। क्यों किए जाएंगे? क्यों? क्योंकि सांस भी कभी बहुत ही, इसलिए नहीं। अरे इसीलिए थोड़ी ना, बताओ बच्चों आंसर, बोले देश आंसर चाहता। ए नो, वो बच्चा दे रहा है, मैं थोड़ी देर। इसका रियल आंसर मैम ने सही बोला, इट इज द बेंगलुरु। बेंगलोर में ही बोला गया है पहला ड्राइवरलेस। पहला ड्राइवरलेस कहां पर है बच्चों? बेंगलोर। मार्च 2024 में पहले 6 ड्राइवरलेस ट्रेन कोचेज आए थे और ये येलो लाइन पे चलेंगे, 18.8 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करेंगे। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बाय लैंड इन कश्मीर फॉर टूरिज्म? कश्मीर में जमीन खरीदी है पर्यटन को बढ़ाने के लिए किस राज्य ने पहली बार? अभी तक कश्मीर में जमीन ही खरीद सकते थे,
अब किस राज्य ने पहली बार वहां पे जमीन खरीदी? कौन सा राज्य है? क्या वो गुजरात है या वो आंध्र प्रदेश है? क्या महाराष्ट्र कर सकता है? क्या कर्नाटक कर चुका है? तो इसमें देखिए, गुजरात जमीन अभी नहीं खरीदता है, खड़ो सोनो है, ये सोना हीरा जायदाद खरीदेगा, जमीन अभी दिमाग नहीं चला था। आंध्र प्रदेश कहता हमारी भाषा ही नहीं समझेंगे लोग, जाके क्या करेंगे। कर्नाटक कहता इक्का चक्का चौकड़ी बड़ी बड़ी, हमें नहीं समझ में आएगा। तो बचा सिर्फ हमारा मराठी भाई महाराष्ट्र। तो राज्य जो है जिसने खरीदा है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हैज परचेज द लैंड। दो तो हमने भी कर्नाटक से इधर आया है। महाराष्ट्र इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बाय लैंड इन कश्मीर टू बिल्ड भवन फॉर टूरिस्ट। द लैंड ट्रांसफर एग्रीमेंट कॉस्टिंग 8.16 करोड़ सिंबलाइज कॉर्पोरेशन बिटवीन स्टेट। ठीक है, हिस्टोरिक है ये प्लान है। यहाँ पर क्या होगा, संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा, है ना, और सक्रिय दृष्टिकोण को दिखाता है। तो ये चीज पहली बार की गई है यहाँ। इसके बाद मिशन 414 कैंपेन न्यूज में था, ये कहां पर स्टार्ट किया गया? 414 अभियान कहां पर स्टार्ट किया? ये बेटा इलेक्शन के लिए बनाया गया था, ये बनाया गया था हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के पोलिंग बूथ के ढमे पे ये काम किया गया था, उसके लिए इसका आंसर दिया गया था। तो 8 असेंबली में वोटिंग बहुत कम होती थी, उसके लिए 60% पार्टिसिपेशन बढ़ जाए, इसके लिए पहली बार किया गया था मिशन 414। उससे पहले कोई मिशन आया नहीं था। अब सी विगिल, ठीक है ठीक है, एक ऐप है या विजिलेंट सिटीजन ऐप है जो समाचारों में थी, ये क्यों आया और क्या है इसका और ये किसके द्वारा विकसित किया गया? विजिलेंट सिटीजन क्या होता है? विजिलेंस वाला, विजिलेंस निगरानी, कोई चोरी चकारी कर रहा है, विजिलेंस डिपार्टमेंट वाला निगरानी के लिए बनाए गए। समाचारों में देखा गया, कौन बनाएगा? कैग बनाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाएगा, फाइनेंस कमीशन बनाएगा या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन? तो ये बनाया है किसने? ये बनाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। अब जो दो हटाए थे, दो चूज करते, उसमें ही गड़बड़ा। ये बनाया है बेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ये बनाया गया सिटीजन वायलेशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जब इलेक्शन के टाइम पे लगता है तो ये बता सकते हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं वो मिसकंडक्ट कर रहे हैं, वो इलेक्शन में बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, उनकी कंप्लेन की जा सकती है, ताकि विजिलेंस सिटीजन कर रहा है। तो क्या कह रहा है भाई, ये कैंडिडेट कहता तो मेरे पास 10 लाख के पर 5 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है प्रचार में, तो उसका लाइसेंस जब्त किया जा सकता है। तो उसके लिए ये चीज यहाँ पर की जाती है, आंसर इसका। चलिए अगला प्रश्न, विच रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल वॉज रिसेंटली स्ट्रक बाय अ डिवास्टेटिंग टोर्नेडो? वेस्ट बंगाल में कहां पर एक बहुत खतरनाक बवंडर आया था? कहां आया था?
बताया बच्चों यहां पे जो बवंडर आया है वो आया था कहां पर, मैनागुड़ी में। और वेस्ट बंगाल में बवंडर नहीं आते जनरली, अगर बात करें वेस्ट बंगाल में चक्रवात या बवंडर जैसा या साइक्लोन जैसा टोर्नेडो जैसा कुछ नहीं बनता। ये अलग राज्य हैं जहां पर ये बवंडर आते हैं। बवंडर कहां आ सकते हैं? बवंडर के लिए राज्य जो है जहां पे ज्यादातर आते हैं वो उड़ीसा और झारखंड को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। और वेस्ट बंगाल में जाते हैं, ऐसा नहीं जाते, बट इतने डिवास्टेटिंग नहीं आते। सिर्फ 10 मिनट में आया था, कितनी देर के लिए था? 10 मिनट। इस 10 मिनट में 5 लोगों को निपटा गया था, 10 मिनट में 5 लोगों के प्राण ले गया था। तो बहुत खतरनाक बवंडर था। ये बवंडर आया था है ना मैनागुड़ी में, ठीक। हाउ मैनी पदम अवार्ड्स वर अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट? 75वीं रिपब्लिक डे में कितने पद्मश्री अवार्ड? कितने अप्रूव किए? क्या वो 130 है, क्या वो 132 है, क्या वो 135 है, क्या वो 150? कितने? 132। इसका सही उत्तर है 132 इस बार पद्म श्री अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। कितने अवार्ड दिए जाएंगे? 132। इसमें फॉरनर एनआरआई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और है ना आउटसाइड सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई सबको इस बार अवार्ड दिया जाएगा। अगला प्रश्न, रिसेंटली वेयर वॉज द फाउंडेशन इंस्टीट्यूट ऑफ नॉर्थ इंडिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया फर्स्ट न्यूरोपैथी हॉस्पिटल? पहला न्यूरोपैथी हॉस्पिटल कहां पर बनाया गया? इसकी आधारशिला कहां पर रखी गई? पहला न्यूरोपैथी हॉस्पिटल बेटा कहां बनाया गया? इसकी आधारशिला कहां पर रखी? बताओ बच्चों कहां रखे गए? ए आंध्र प्रदेश। और कोई? एक को वोट मिल गए 3। और कोई? इसका रियल आंसर है बेटा उत्तर पूर्व का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल जो है वो कहां बनाया गया है? वो बनाया गया बेटा असम में। कहां बनाया गया? असम में। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड द पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, ठीक है, और असम के चीफ मिनिस्टर ने मिलकर डाला है। लो पढ़ो। ठीक, अगला ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड रिसेंटली सीन इन न्यूज, ये किस चीज के लिए? सोच लो। ब्लैक गोल्ड किस चीज के लिए? क्या कच्चे तेल के लिए, सोने के लिए है, काले धन के लिए, नशीली दवाओं के लिए?
क्या होता है कि आज की डेट में जो स्मगलर है वो बहुत बड़ा काम क्या करते हैं, जैसे सपोज कि आपको 60 करोड़ रुपए वहां ले जाने, ठीक, और आप 20 लोग, 60 करोड़ रुपए आपको वहां ले जाने, आप 20 लोग, तो आप इसको कैसे ले सकते थे? आप इसे 24 कैरेट गोल्ड में ले जाइए, मतलब 97.6% प्योर गोल्ड में ले जाएंगे, तो आपकी कॉस्टिंग भी ज्यादा से ज्यादा पैसा सोने में खपत हो जाएगी। अभी लोग क्या करते हैं, हाफ एन केजी का कड़ा बनाते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, हाथ में पहनने वाला कड़ा हाफ एन केजी का बनवाया, फिर इसमें सिल्वर पॉलिशिंग कर दी और इसके ऊपर ब्लैक पेंट कर दी, तो ये गोल्ड जैसा दिखता ही नहीं, और वो बिना हीट के पता भी नहीं चलता, उसे चेक भी करेंगे तो भी सोने जैसा नहीं दिखेगा। तो ऐसे किलो का सोना देश से बाहर चला जाता था और लोगों को पता नहीं चलता था, ठीक। ये गोल्ड को बाहर ले जाते हैं, मान लो जो गोल्ड पकड़ा गया वो पकड़ा गया 16.67 केजी, अगर इसको मल्टीप्लाई करें 70 लाख से भी, तो 76-80 का सोना ही छोड़ दो, 70 लाख से भी करोगे तो 70 और 7×42 और मान के चलिए कुछ नहीं तो तकरीबन 10 करोड़ से ऊपर का सोना होगा, 11-11.5 करोड़ का सोना है जो यहां से बाहर जा रहा था। तो ये जो ब्लैक ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड है, ये एक गोल्ड के ज्वेलरीज को बना के, अनर अलॉय को बना के उसको सिल्वर पेंट करके ब्लैक कर दे, इस तरीके के गोल्ड को यूज करने की बात यहां पर की जाती है। तो ये जो है, ये है सोने की तस्करी के लिए, इसका आंसर ये है आपके स्क्रीन। और ये बहुत सुनार कराते हैं आज की डेट में, अगर आप हाथ में कड़ा पहन के जा रहे हैं, मान लो जैसे मैंने चेन पहने, अब ये चेन दूर से तो सिल्वर दिख रही है, बट हो सकता है इसको गर्म करें तो ये प्योर गोल्ड है ना, तो ये कड़ा जाता है, बिल्कुल सिल्वर जैसी दिखेगी पर वो रियल में होगी गोल्ड। तो ऐसी बेवकूफियां की जाती हैं जिसको संदेह के बचने के लिए काला भी कर दिया जाता है, तो ये चीजें नहीं हो उसके लिए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन टू एलिमिनेट, क्या बताइए क्या एलिमिनेट कर रहे हैं? फालेरिया। कौन से राज्य में सबसे ज्यादा फलेरिस फैलता है वहां का बताइए। इसका आंसर क्या हो सकता है बताओ? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने इसको स्टार्ट किया है, ठीक है, ये चाहता है 17 जिलों को कवर करना और 2017 तक चाहता है कि फालेरिया भारत में यूपी के अंदर एटलीस्ट ना रहे, इसका प्रयास भारत सरकार कर रही है। विच वॉज द फर्स्ट इंडियाज अंडर वाटर मेट्रो सर्विस इनॉग्रेटेड, ये बड़ा अच्छा, ये आपने न्यूज में भी सुना होगा अंडर वाटर मेट्रो जाते हुए, अभी न्यूज में भी बहुत हाइप चली थी इसकी। कौन सी जगह पर स्टार्ट किया गया है? कोलकाता। अच्छा यहाँ पे जो नीचे वाला है वो गलत हो गया है हिंदी में, तो उस पर ध्यान मत देना।